भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया था कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध नित्य स्वभाव है अग्नि के समान और काष्ठ के समान प्रकाश के दाह्य दृश्य जड़ स्वभाव ये शरीर है तो इसमें संसार की प्राप्ति किसको होती है माने जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक और संसार में शोक मोह भय आदि ये किसको प्राप्त होते हैं। भगवान ने बताया कि ये संसार वास्तव में न देह को है और न तो आत्मा को है क्योंकि देह जड़ है उसकी तो जैसे कंगन टूट गया तो कंगन का पुनर्जन्म थोड़ी होगा कि हार बने कि हार टूट गया तो अब उसका कुंडल थोड़े बनेगा वो तो सोना है उसी का बनता है। जब अपने स्वरूप को न जान करके देह के साथ मैं जोड़ लिया जाता है तो ये देह के साथ जोड़ा हुआ जो मैं है यही संसारी होता है। फलवान संसारे होते माने मैं पापी हूँ मैं पुण्यात्मा हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं देह हूँ मैं मनुष्य हूँ तुम्हारी स्वीकृति ही संसार है। जब देह को तुमने देह को मैं के रूप से मंजूर कर लिया तो देह का जन्म तुम्हारा जन्म हो गया देह का मरण तुम्हारा मरण हो गया देह का सुख दुख तुम्हारा सुख दुख हो गया तो ये अपार्थ होती न ज्ञानी का है न अज्ञानी का है। ये संसार असल में न ज्ञानी को है न अज्ञानी को है किसी को नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि मुक्त जो है वही मुक्त है और बाकी सब बद्ध है। बोले नहीं मुक्त तो वो है जो सबको मुक्त ही देखता है जिसकी दृष्टि में कोई बद्ध है वो तो मुक्त ही नहीं है। जब तक तो फिर बस सब मुक्त ही मुक्त है बाबा थोड़ो श्रवण मनन निधि दिया कर क्या जरूरत है सत्संग की और भजन करने की और मनन की निधि ध्यान की सब मुक्त। तो इस पर ये बात कही भगवान ने कि अर्थे ये विद्यमान की संस्कृत न निवर्तते दरअसल चीज तो कोई नहीं है न ये शब्द है न स्पर्श है न रूप है न रस है न गंध है ये तो कुछ नहीं है न स्त्री है न पुरुष है लेकिन फिर भी संस्कृति निवृत्त नहीं होती है संसार से छुटकारा मिलता नहीं है। तो क्यों नहीं मिलता है तो बताया ध्यायते विषयालस्य इन्हीं झूठी झूठी चीजों के बारे में ध्यान करते रहते हो इसलिए ये छूटता नहीं। जैसे कोई हरिण हो और वो मरु मरीचिका में घटक गया हो मृग तृष्णा के जल में तो यहाँ जल मिलेगा यहाँ जल मिलेगा यहाँ जल मिलेगा क्या ये बात तो पक्की है कि वहाँ जल नहीं है लेकिन हरिण के मन में जब तक ये भ्रांति रहेगी कि यहाँ जल है तब तक वो यहाँ से वहाँ भटकता रहेगा। इसी प्रकार जिसके मन में भूल है कोई भटक रहा है। जाके समय भूमि गोपाल की या मैं अटक कहा जाके मन में अटक है कोई अटक रहा ये तो जहाँ अटक फंसी हुई है वही अटक रहा है।
इसका दृष्टांत दिया सपने नरसागमो जता। जैसे सपने में शेर नहीं होता, लेकिन शेर हमको खाना चाहता है, दौड़ रहा हमारी तरफ, डर लगता है कि नहीं? तो कभी कभी तो सपने में शेर निगल भी जाता है। बोले उससे कब छूटोगे? तो जब जगोगे। जब अब देखो, जागने में, सपने से जागने में और संसार से जागने में क्या फर्क है, ये बात आपको सुनाते हैं। जथा यत् प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वम् अर्थहृतो। 28वें अध्याय का 14वां श्लोक है। यथा यत् प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वम् अर्थहृतो सैव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। जब तक मनुष्य जगा नहीं है, तब तक स्वप्न उसके लिए बहुत अनर्थकारी है। लेकिन जब वो मनुष्य जाग गया, तो स्वप्न का कोई भी सुख या दुख या शोक या मोह या कोई भी दृश्य उसके लिए दुखकारी नहीं होता। अब इस पर एक टिप्पणी कर दो ना। ये टिप्पणी क्या है? स्वप्न दूसरे काल में होता है और जागृत दूसरे काल में होता है, इसलिए स्वप्न की निवृत्ति होने पर तब जागना होता है या जागने पर स्वप्न की निवृत्ति होती है। दोनों में से कोई बात है, इसमें हमको है ना आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। वो तो जल्द इसको बोलते हैं, एक काल में ही स्वप्न भंग होता है और जागरण होता है एक समय। लेकिन जागते समय सपना नहीं रहता है, न सपने का घोड़ा रहेगा, न गाड़ी रहेगी, न मकान रहेगा, न मित्र रहेगा, न सड़क रहेगी, प्रतीत ही नहीं होगा, हो केवल एक छाया मात्र उसका स्मरण होगा। बोले तो ब्रह्म ज्ञान में भी ऐसा ही होता होगा? क्या नहीं, ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान में सपना दिखता भी रहता है और सपना बाधित रहता है। ये क्या आश्चर्य ये है कि स्वप्न काल में जागृत काल नहीं है और जागृत काल में स्वप्न काल नहीं है, इसलिए स्वप्न की निवृत्ति हुए बिना जागृत नहीं और जागृत के आगमन के बिना स्वप्न की निवृत्ति नहीं। परंतु ये जो सूर्य देवता है, आत्म देवता, ये कोई काल में तो नहीं है ना कि ये जागृत काल में तो रहेंगे जागृत के समान और स्वप्न काल में नहीं रहेंगे। ये जागृत काल में और स्वप्न काल में बिल्कुल एक तरीके ही रहते हैं। इसलिए जब आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है, तब ये जागृत स्वप्नवत प्रतीत होता रहता है। बोले भाई, आत्मज्ञान होने के बाद भी ये जागरण बता, ये बंबई, ये कलकत्ता, ये जहाज, ये समुद्र, ये सूर्य, ये चंद्रमा है, सब के सब मालूम पड़ते हैं। कहाँ मालूम पड़ते हैं? वेदांत ज्ञान प्रतीति का विरोधी नहीं है, भान का विरोधी नहीं है, वो तो सबका प्रकाशक है। वो तो स्वप्न काल में स्वप्न के विषय को सच्चा समझते थे और जागृत काल में स्वप्न की निवृत्ति भी हो गई और स्वप्न को मिथ्या भी समझ लिया। और यहाँ क्या हुआ? ब्रह्मात्मय के ज्ञान होने से जगत की निवृत्ति तो नहीं हुई, जगत की निवृत्ति तो नहीं हुई, लेकिन इसमें जो सत्य भ्रांति थी ये मिट गई। ये मिट गई तो स्वप्नवत जागृत प्रतीत भी होता रहेगा, क्योंकि इसमें काल का संबंध नहीं है। अपने सूर्य आत्मा के अनुभव में काल का संबंध नहीं है कि एक काल में तो ज्ञान होता है, एक काल में सूर्य आत्मा रहती है और दूसरे काल में जगत रहता है का नहीं। ये तो देश काल वस्तु तो जगत के साथ ही बाधित तो हो जाते हैं, इसलिए बाधित काल, बाधित देश, बाधित वस्तु आत्म तत्व में प्रतीत भी होते रहते हैं और अपना आत्मा स्वयं प्रकाश सर्वाधिक काल सबको प्रकाशित करता हुआ जो करते रहता है। तो स्वप्न का दृष्टांत देते हुए भी ये टिप्पणी करने योग्य है कि स्वप्न काल और जागृत काल ये दोनों काल के भेद हैं, लेकिन तुरीय तत्व की अनुभूति और ये जागृत काल, ये दोनों काल के भेद नहीं है। जागृत काल काल है और सूर्य तत्व की अनुभूति
काला भिक्षान है, कालक प्रकाशक है, इसलिए जागृत काल में रह करके भी आत्मा जागृत काल को प्रकाशित करता है, स्वप्न काल में रह करके भी स्वप्न को प्रकाशित करता है, सुषुप्ति काल में रह करके भी सुषुप्ति को प्रकाशित करता है। इन अवस्थाओं को मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान होने पर सुषुप्ति नहीं मिटाना, ज्ञान होने पर स्वप्न नहीं मिटाना, और ज्ञान होने पर जागृत भी नहीं मिटाना, क्योंकि वो तो जागृत में ही जागृत का अधिष्ठान है और जागृत का प्रकाशक है। इसलिए स्वप्नवत ये जागरण अवस्था भान हो रही है, स्वप्न की निवृत्ति नहीं होती है, स्वप्न का बाद होता है। तुरीय तत्व के ज्ञान से स्वैव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते, शोकहर्ष भय क्रोध लोभ मोह प्रियादयः अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्यु स्वरात्मनः। अब भाई बात तो वेदांत की है ना, तो किसी की समझ में कभी आती है, किसी की समझ में नहीं आती है। महात्म्य बुद्धि से इसका श्रवण करना है ना, जिसकी समझ में आवे बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके सुनने से कान तो पवित्र होंगे ही, मन तो संसार की ओर से परमात्मा की ओर चलेगा ही। बोले भाई, असल में अहंकार रूप जो देहादि के साथ सन्निकर्ष है, माने देह में जो अहंकार है कि यह मैं हूं, यही संसार का सहारा है। अगर देह में मैं पना नहीं है तो संसार बेसहारा हो गया, संसार को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। संसार देह के रास्ते मालूम पड़ता है और देह में मैं करके हम उसका बोध धोते हैं। ये देह में मैं करके हम संसार का बोध धोते हैं। ये तो सब अधिष्ठान में एक महात्मा एक कथा सुनाते हैं। ये कोई मारवाड़ी सज्जन थे, वो देश से कहीं जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उनके पास एक पोटली भी बड़ी थी और खुद भी थे, तो ऊंट पर बैठे तो बड़ी दया आई, सोचे कि ये पोटली ऊंट के ऊपर रखेंगे, है ना, ऊंट के ऊपर पोटली रखेंगे तो दोहरा भार इसके ऊपर हो जाएगा। तो खुद बैठे ऊंट पर और पोटली को उठाए करके अपने सिर पर रख लिया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, कि ऊंट पर दया कर रहे हैं कि ऊंट पर भार न पड़े, तो इससे तो उस भार से बच नहीं सकता है। देखो बाबा, ये जितना नाम रूपात्मक प्रपंच है ना, जितने नाम हैं और जितने रूप हैं, इनका कल्पित अधिष्ठान ब्रह्म ही है और इनका कल्पित प्रकाशक भी ब्रह्म ही है। प्रकाशकता भी कल्पित है और अधिष्ठानता भी कल्पित है, केवल व्यवहार की दृष्टि से। और जहाँ स्वरूप रूप से इसका अनुभव हुआ, वहां तो परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो बोले बाबा, हमको शोक से, हर्ष से, भय से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, स्पृहा से, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ग्रस्त हैं। जन्म हमारे पीछे लगा, मौत हमारे पीछे लगी। बोले ना ना, ये जो शोक है, शोक क्या होता है, शोक अच्छी बात के लिए भी होता है और बुरी बात के लिए भी होता है ना। हम क्यों मर गया, इसके लिए भी शोक होता है ना। और पहले हमारे पास इतना बढ़िया वस्त्र था और अब नहीं है, तो बढ़िया कपड़े की याद करके भी शोक होता है। कोई अघटित घटना हो जाए, उसके लिए भी शोक होता है। तो हुई घटना के लिए शोक होता है, पर घटना कहाँ होती है, शरीर के साथ संबंध है उसका। हर्ष कहाँ होता है, शरीर के साथ। भय कहाँ लगता है, ये आगे के लिए भय लगता है, ऐसा न हो जाए ऐसा न हो जाए, वो तो शरीर ही के साथ होता है। क्रोध माने जलन होती है, लोभ दूसरी चीज का होता है, मोह जो है ये होता है कि ये चीज हमेशा हमारे साथ बनी रहे, ऐसा मोह होता है। मोह माने मूढ़ता, आदमी अटक गया। मोह भाई चित्त की विपरीतता का नाम मोह है, तमोगुण। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और स्पृहा, ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, ये छोड़ना न पड़े, कोई चीज अपने सामने आई बोले छोड़ना न पड़े। बोले ये सब कहाँ है, तो अनंत परमात्मा में है, अपने स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म में है। कना अहंकार से दृश्यन्ते, जो अहंकार करके बैठा हुआ है इस शरीर में, इसी में ये देखे जाते हैं।
जन्म भी शरीर में जो अहंकार करके बैठा है उसी का हुआ है और मृत्यु भी उसी की होती है जो देह में अहंकार करके बैठा है। जिसका देह में अहंकार ही नहीं है उसके लिए तो सब मामले ही गायब है, उसके लिए कोई दुख सुख की कोई बात ही नहीं थी। एक महात्मा रहते थे अलीगढ़ जिले में अतरौली के पास, उनको दूल्हा बाबा बोलते थे, दूल्हा बाबा। तो लोगों ने क्या किया कि पेड़ की जड़ें काट काट के तो पाए बना दिए और दूसरे पेड़ लगा लगा करके उसकी कटिया बना दी और उसी को बीन दिया तो खाक हो गई, उसी पर वो बैठे रहते थे। पेड़ की जो का तो मोटा मोटा हो हाथों पकड़ने लगा, पाया कटिया उसी पर बैठे रहते थे। अब दूसरे गांव लोग न जाने दे हो उनको रोक के रखते थे कि दूसरे गांव का कोई ले न जाए इनको, तो रात को उनकी चोरी हो जाती थी। जब सब लोग सो जाते तो दूसरे गांव के लोग उस महात्मा को छाक ले जाते थे, अब वो तो मना नहीं करते। अब दूसरे दिन खोज हुई, कहाँ गए कहाँ गए, बोले भाई कौन ले गया, ऐसे खोज हो गए। एक दिन किसी के घर में ब्याह था, बोले तो हमारे लड़के का ब्याह है, बहू को जेवर चढ़ाना है, तो पहले महाराज के शरीर में जेवर पहना दे तो पवित्र हो जाएंगे, लड़की का सौभाग्य चमकेगा और वर जो है वो दीर्घजीवी होगा। ला करके उन्होंने बाबा के शरीर में जेवर पहना दिया, हार पहना दिया, कंगन पहना दिया, बिंदन पहना दिया, है ना, वो तो बैठे हजारों रुपए का जेवर पहना दिया, पहन लिया बैठे रहे। अब वो लोग छोड़ के चले गए, चले गए तो दूसरे कोई आए, हाँ उन्होंने कहा बाबा आज तो तुम्हारे शरीर पर बढ़िया बढ़िया जेवर है। क्या बोले हाँ भैया कोई पहनाया गया है। कहा अच्छा तो हम उतार लेते हैं बाबा, आपको तकलीफ होती होगी, भार है। कहा हाँ हाँ भैया उतार ले जा। वो उतार के ले गए। अब दूसरे दिन जेवर वाले आए, बोले हमारा जेवर बाबा। बोले भैया तुम पहना है गए कोई उतार ले गया, अब हम क्या बताए। ये सब जेवर ही है, हो ये जन्म है मरण है शोक है भय है, ये तो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं संसार में। संसार में कोई तत्व नहीं है, जो पकड़ के बैठा है संसार को वही दुख पाता है। जिसको कहीं पकड़ नहीं है दुनिया में उसको संसार में कोई दुख नहीं है। भक्त लोग यही बात तो बोलते हैं, मीरा गिरधर हाथ बिकानी होनी हो तो हो रे। मीरा तो गिरधर के हाथों बिक गई, अब जो होना हो तो हो। जब भाव्यम तद भवति भगवन पूर्व कर्मानुरूपम, और जो होना हो तो हो। हमको ये आग्रह नहीं है, हो आग्रह छूट जाना ये बुद्धिमानी का फल है। बुद्धे फलम अनाग्रह, बुद्धिमान पुरुष की पहचान क्या है, का उसको संसार में जिद नहीं होती कि ये ऐसा ही हो ये ऐसा ही हो। वहां तो चित्त भी अपना और पत्त भी अपना, दोनों ओर जीतने की जुक्ति महात्माओं को मालूम रहती है, चित्त भी अपना और पत्त भी अपना। वो कभी संसार के जुए में कभी हारते नहीं है, और जो जिद करेगा कि ऐसे हो तो उनको संसार में हारना पड़ता है। देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवोन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः सूत्रं महानित्युरुभेवदीतः संसार याधावति कालतन्त्रः। असल में जीव नाम की कोई खाति नहीं है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही है। जैसे देवर जो है ना वो कोई धातु नहीं है, सोना धातु है, ऐसे धातु है मूल धातु ब्रह्म। और जीव क्या है, क्या ये देह मेरा और मैं, ये इंद्रियां मेरी और मैं, ये प्राण मेरे और मैं, ये मन मेरे और मैं, अभिमान का ही नाम जीव है। और जब तुम ये अभिमान करोगे कि मैं सुखी तब तुम सुखी रहोगे, और जब ये अभिमान करोगे कि दुखी तब दुखी रहोगे, और दोनों अभिमान न होना तो तुम परमात्मा के स्वरूप में डूबे रहोगे। असल में अभिमान ही संसार में ये संसार में मानते ना प्रेम है, मानते हैं ना बड़ा भारी प्रेम हो गया, बड़ा भारी प्रेम हो गया। तुम मान लो कि हम प्रेमी हैं तो प्रेम तुम्हारा तुम्हारे पीछे पड़ेगा, है ना। और ये न मानो बिल्कुल कि हम प्रेमी हैं तो प्रेम तुमको छुएगा भी नहीं।
ये मानी हुई बात है संसार में जितनी बात है, मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा देह है, ये सब, ये जो देह इंद्रिय प्राण मन, इसमें जो अभिमान है इसी का नाम जीव है। बना अभिमान का नाम जीव है। अभिमान करके ये सत्व गुण रजो गुण तमो गुण, ये पाप ये पुण्य, ये गुण और कर्म की मूर्ति को धारण कर रहा है। असल में इस आत्मा का नाम ही सूत्र आत्मा है, इसी का नाम महातत्व है, इसी का नाम अनेक नाम रूप से यही कहा जाता है। और ये जब इस उपाधि को स्वीकार करके मैं मेरा मान लेता है, तब संसारे आभावत काल तंत्र, उपाधि तो काल के अधीन होती है, इसलिए ये भी उपाधि के अधीन होने से काल के अधीन हुआ बोलता है। जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी के अधीन हो बिल्कुल, तो अब पत्नी की जहाँ जहाँ जाने की रुचि होगी वहाँ वहाँ उसको जाना पड़ेगा कि नहीं, और पत्नी जो है वो किसी दूसरे से मिल जाए तो है ना, अब उसको भी डबल पराधीनता करनी पड़ेगी, डबल पराधीनता करनी पड़ेगी। तो ये जो देह है ना, इसमें मैं करना, ये देह के अधीन होना है, और देह है काल के अधीन। तो जब तुम देह के अधीन हो, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, तुम्हारा सुखी होना, तुम्हारा दुखी होना, तुम्हारा शोक भय मोह सब देह के अधीन हो गया, और देह है काल के अधीन, तो तुम काल के अधीन हो गए। और जब तुम देह की अधीनता छोड़ दो, देह में अभिमान मत करो, परमात्मा के साथ मिलकर रहो, दोस्ती करनी हो एक परमेश्वर से, एक परमात्मा से मित्रता करो, उसके साथ संबंध जोड़ करके रहो, अब तुम्हारी काल की पराधीनता जो है वो कट जाएगी। अमूल में तद बहुरू करू किताब मनो बच प्राण शरीर कर्म ज्ञान अज्ञान आसिनो पाशन कृष्ण अमूल नेता। जिस संसार को तुम बहुत ठोस समझते हो, बाहर से भी ठोस, फौलाद से भी कठोर, बड़े अमूल नेता, इसकी तो कोई जड़ ही नहीं है, न इसका कोई माँ है न बाप है, न इसकी कोई आकृति है, सकल सूरत भी नहीं है, न इसका कोई कर्म है, न स्वभाव है, न प्रारब्ध है, कुछ नहीं है। अरे अज्ञान ही न बहुरूप रूपिता, अज्ञान से ही ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है। क्या का ये मन है, ये वाणी है, ये प्राण है, ये शरीर है, है? ये इनमें अहंकार है, ये सब अज्ञान से ही भास रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है ज्ञान से वो कट जाती है, जो चीज कर्म से पैदा होती है वो कर्म से कटती है, जो चीज भावना से पैदा होती है वो भावना से कटती है, और जो चीज बेवकूफी से पैदा होती है वो कैसे कटती है, तो वो समझदारी से कटती है। बेवकूफी से जो चीज पैदा होती है, अज्ञान माने बेवकूफी है और कुछ नहीं समझना। मनुष्य की बेवकूफी का नाम अज्ञान है, ब्रह्म की बेवकूफी का नाम अज्ञान नहीं है, बोला आत्मा की बेवकूफी का नाम अज्ञान नहीं है, मनुष्य की बेवकूफी का नाम अज्ञान है। इसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कौन और मेरा कौन, अपने स्वरूप के बारे में कभी इसने कोई विचार नहीं किया। अब अज्ञान से दुख होता है। मैं बचपन की हमको एक बात याद है, मैंने कई बार सुनाई होगी, मेरे पास एक चाकू था, वो चाकू वो पढ़ने जाता था स्कूल में। अब देखो ऋषिकुल का स्कूल कैसे बना है, इसका जब इतिहास सोचो तो मजेदार निकलेगा। ऋषिकुल, री का लोप हो गया तो सिकुल हुआ ना, सिकुल है ना, अच्छा केवल री का लोप हो गया और सिकुल बन गया और सिकुल का स्कूल हो गया, अरे उच्चारण भेद से, उच्चारण के भेद से ऋषिकुल का सिकुल हो गया, स्कूल हो गया। तो जब मैं जाता था ना एक बच्चे ने मेरे चाकू, एक दिन क्या हुआ कि चाकू को उठा के अंतिम रख लिया, अपने धोती में लगा लिया, भूल गया। तो मैंने अपने अध्यापक से शिकायत की कि हमारा चाकू किसी ने चुरा लिया, दर्जा अ में ब में ऐसे कुछ
एक में नहीं पहुंचा था वो, आ में बा में पढ़ता था। अब उसने सब बच्चों को खड़ा कराया, किसने चाकू लिया, मारेंगे उसको, लेके खड़ी हाथ में। सब बच्चे कहे हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। एक उपद्रव खड़ा हो गया। एक लड़के ने बताया कि ये इधर से अपनी धोती में लगा रखा है, ये है देखो। अब ये तुम लोगों का, हम लोगों का, सबका जो ईश्वर खो गया है ना, वो ईश्वर कहाँ खोया है? अरे भाई, तुमने अपने मैं में ईश्वर को रख करके और फिर भुला दिया है। फिर ढूंढते फिरते हमारे ईश्वर को किसी ने चुरा लिया, हमारे ईश्वर को किसी ने चुरा लिया, है ना? ईश्वर तुम्हारे मैं के भीतर, तुम्हारे मैं की तह में, मैं की गहराई में, जहां से संसार में मैं का उदय होता है और जहां जा करके मैं अस्त हो जाता है। कभी ढूंढो ना कि आंख में देखने वाला मैं कहां से आता है, जहां से उदय होकर के आता है और अंत में जहां होकर के अस्त हो जाता है। ऊर्ध्वम प्राणा उत्क्रामंती अपानम प्रत्यगच्छति मध्य दामन मासीनम विश्व देवा उपासक। उपनिषद में कहा सांस बाहर होती है ना, कि भीतर जहां से चल के बाहर आती है और फिर लौट के जहां जाती है, और अपान वायु जो बाहर निकलती है नीचे के रास्ते से, वो जहां से उठ के नीचे जाती है। ये सांस एक मन एक ऐसी जगह है जहां से सांस को ऊपर से आती है और जहां से अपान वायु नीचे को जाती है, दोनों के बीच में एक ऐसी जगह है मध्य दामन मासीनाम, वहां नंदे से भगवान बैठे हुए हैं। और विश्व देवा उपासते आख कान नाक जीव हाथ पांव सब उन्हीं की उपासना करते हैं। तो वो दामन कौन है? बोले त्रिविक्रम है, जिन्होंने एक ही पांव में सारे विश्व को नाप लिया, वही है वो, है वो ब्रह्म, है वो ब्रह्म, लेकिन तुम्हारे कलेजे में नन्ना सा बन करके बैठा हुआ है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि जो चीज बेवकूफी से मानी जाती है, रस्सी को नहीं जाना, उसको सांप मान लिया। अब सांप कैसे कटेगा गाड़ी का जब रस्सी को जानोगे? बोले नहीं, हम सांप को जानेंगे नहीं, उसको माला मान लेंगे, तभी तो बेवकूफी नहीं रहे ना। क्या उसको गंदा मानोगे तभी बेवकूफी में? क्या नहीं, जब जानोगे कि वो क्या चीज है तब। जाना सुना सुपा सनया पिते नो सुवा मुनिर्गम विजरत्य कृष्ण जाना सुनोपासनया स्थिते नो। तो बाबा, वो अज्ञान कैसे कटेगा? तो ज्ञान की तलवार से कटेगा। जो चीज अज्ञान से मालूम पड़ती है वो झूठी, और जो चीज ज्ञान से मिटती है उसका मिटना भी झूठा। अज्ञान से बंधन मालूम पड़ता है तो मिथ्या, और ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो वो भी मिथ्या। असल में बंधन और मुक्ति दोनों से रहे जो परमात्मा का स्वरूप है, वो ज्यो का त्यो अज्ञान काल में भी वही है और ज्ञान काल में भी वही है, लेकिन ये ज्ञान की किसी तलवार से यह ज्ञान करता है। तो ज्ञान को तीखा कैसे करें? कई उपासनया सितेन, उपासना करके ज्ञान को तीखा बनाओ। जिस ज्ञान में वैराग्य नहीं है, वो ज्ञान पर ब्रह्म परमात्मा में निष्ठा कराने की जगह संसार में निष्ठा करा देता है, और जब उपासना होती है भगवान की तो वैराग्य आ जाता है। इसलिए ज्ञान को तीखा करने का उपाय है उपासना से उसको तीक्ष्ण बनाना, और जब ज्ञान की तलवार तीखी हो जाती है तब उसके अज्ञान को काट करके मुनिर्गम विदरत्य कृष्णा, ये जो महात्मा है फिर कृष्णा रहित होकर के पृथ्वी में विचरण करता है, माने व्यवहार करता है। ज्ञाना सुनोपासनया स्थितेन चित्वा मुनिर्गम विदरत्य कृष्णा। बोले यहां उपासना क्या है? किसकी उपासना करना? सब पदार्थ की उपासना करना, स्वम पदार्थ की उपासना करना, सोहम 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 स्वम पदार्थ की उपासना हो गई। निराकार निर्विकार एक रस निर्धर्मक सत्यंगार अनंतम ब्रह्म, सब पदार्थ की उपासना हो गई। तो ये किसकी उपासना है? बोले ये गुरु की उपासना है, क्योंकि ज्ञान तो गुरु से मिलेगा।
तो गुरु की उपासना से ज्ञान की तलवार तीक्ष्ण होती है। ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य जडेन केवलम् कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये। अब ज्ञान की थोड़ी चर्चा करते हैं। ज्ञान क्या और कैसे? बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, शनै शनै क्रम है। अनादिकाल से अब तक वासनाओं के अनुसार भोग का और कर्म का ही अभ्यास रहा है। इसको छोड़ करके एकाएक वासना रहित, भोग रहित, कर्म रहित अपने शुद्ध स्वरूप में निष्ठा होने के लिए बहुत उतावली नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना। ज्ञानम विवेक। ज्ञान किसको कहते हैं? तो ज्ञान कहते हैं विवेक। विवेक माने देह और आत्मा को पृथक पृथक करना, ये ज्ञान का साधन है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। परमात्मा की उपलब्धि किससे होती है? का विवेक से। ये देह है और ये आत्मा है, ऐसा विवेक करो। इस विवेक का आधार क्या होगा? बोले निगम। वेद के अनुसार विवेक करो। दृष्टा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? निगम माने वेद से करो। बोले भाई वेद का अर्थ भी जल्दी समझ में नहीं आता। तपस्या अपने धर्म का पालन करते हुए, फिर प्रत्यक्ष यमथा अनुमानम। प्रत्यक्ष स्वानुभूति को देखो कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या दिख रहा है। अपने अनुभव को भी महत्व दो। और ऐतिह्य माने इतिहास, उपदेश। बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या उपदेश किया है। महात्मा लोग बड़ी गहन गहन ग्रंथी को हो चुटकी बजा के खोल देते हैं। कहते हैं एक महात्मा का काम था घास छीलना, बस कृपा लेकर के घास छीलते। एक राजा ने उनकी बड़ी प्रशंसा सुनी तो पहुंच गया उनके पास। तो महाराज, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आपके पास आए हैं। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? बोले राजा, तुम ये मुकुट छोड़ो, छत्र छोड़ो, कमर छोड़ो, ये जो आस पास तुम्हारे पिछ लगे हैं इनको छोड़ो, हटा दो। मंत्री नहीं, सेनापति नहीं, छत्र नहीं, कमर नहीं, मुकुट नहीं, बाजू बंद नहीं, जेवर उतारो, एक साधारण मनुष्य के रूप में हो जाओ। बोले देखो, जब तक ये सब सही तब तक तुम राजा, और चिन्ह हट गया तो तुम साधारण मनुष्य, और हमारे हाथ में खुरपा और ये घास का काम तब तक मैं घटियारा। अब ये घास करना बंद और ये खुरपा फेंक दिया, अब मैं भी साधारण मनुष्य। एक जीव को ब्रह्म होने में कितनी देर लग सकती है? एक हिंदू को मनुष्य होने में जितनी देर लग सकती है? अपने को हिंदू करके, अपने को हिंदू पने में मैं करके अपने को हिंदू समझता है, और हिंदू को कोई दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य लेने के लिए। अरे मनुष्य तो ये पहले से है कि नहीं है? पहले से है, लेकिन अपने मनुष्य पने को भूल करके हिंदू पने में बंध गया है। कैसे बंधा है? अभिमान से बंधा है। तो छोटा घेरे जो होते हैं, घेरे वो छोटे कहां से होते हैं? अभिमान से होते हैं। और फिर अथानुमानम, इसमें तर्क भी करना चाहिए। कैसे कैसे तर्क वितर्क दुखी, तो क्या तर्क करें महाराज? आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलम् कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये। अस्य जगतः, ये जो दृश्यमान प्रपंच है, जगत है, इसके आदि में जो केवल तत्व था और अंत में जो केवल तत्व रहेगा, जो अकेली चीज शुरू में थी और जो अकेली चीज आखिर में रह जाएगी, तो बीच में भी वही है, तदेव मध्ये, बीच में भी वही है। तो कैसे समझे कि वही है? तो कालस्य हेतुश्च, वही अंतकरण के उपाधि से प्रकाशित करके जीवात्मा बनी हुई है, और वही समष्टि की उपाधि से सर्वाधिष्ठान बन करके ईश्वर बनी हुई है। असल में सर्व और अल्प की उपाधि को छोड़ दो, तो जो यहाँ है
वही वहाँ है, जो ये है वही वो है। काल माने प्रकाशक, हेतु माने अधिष्ठान। कारणोपाधिक जो चेतन है उसको हेतु कहते हैं, और कलयति कलना कलनात्मक जो अंतकरण उसकी उपाधि से जो चेतन उसको काल कहते हैं। यथा हिरण्यम स्वकृतम पुरस्ता पश्चात सर्वस्व हिरणमयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणम नानापदेशैरहमस्य तद्वत। अब दृष्टांत दे करके बताते हैं कि जब तक सोने में कोई क्रिया नहीं की गई है, सुष्ठु अकृताम स्वकृता, जब तक भली भांति सोने को गढ़ा नहीं गया है, तब तक सोने से जितने जेवर बनते हैं उनके पुरस्कार माने पहले भी और पश्चात भी सोना ही सोना है। अब जेवर के नाम से जो व्यवहार है, ये कंगन है, ये हार है, ये कुंडल है, ये अलग अलग नाम रूप का व्यवहार होने पर भी नाना प्रवेश ही व्यवहार यमानम, बीच में अनेक नामों से इसका व्यवहार किया जाता है, तथापि वो ये कही। इसी प्रकार अस्य प्रपंचस्य अहम्, इसी प्रकार ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है इसके आदि में मैं, अंत में मैं, बीच में मैं ही सर्व रूप में दिखाई पड़ रहा हूँ, मुझसे जुदा ये प्रपंच नहीं है। विज्ञानमेतत् प्रियवत्समंगो गुणत्रयम् कारण कार्य कर्त्री समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव सूर्येण तदेव सत्यम्। ये विज्ञान माने मन ही है, विज्ञान माने मन, विज्ञान माने ब्रह्म। एतत् प्रियवत्समंगो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था प्यारे उद्धव विज्ञान की है। ये तीन गुण सत्व रज काम, ये तीनों अवस्था विज्ञान की है। ये कारण ये कार्य ये कर्ता, ये तीनों विज्ञान की अवस्था है। समन्वय न हेतुना, समन्वय के कारण जिस तुरीय तत्व से इन तीनों की सिद्धि होती है और जो इनसे व्यतिरिक्त माने इनसे अलग भी है उसी का नाम परमात्मा है। नयत पुरस्ता दुपयन्न पश्चात मध्ये चन्न व्यपदेश मात्र भूतम प्रसिद्धम च परेण यद तदेव तत्यादि मनीषा। जो चीज पहले नहीं थी और जो पीछे भी नहीं रहेगी, जैसे घड़ा पहले नहीं था माटी थी, ये शरीर पहले नहीं था वो पंचभूत था, पंचभूत भी पहले नहीं था प्रकृति थी, प्रकृति भी पहले नहीं थी केवल परमात्मा ही था। क्रम क्रम से वहां पहुंचे, तो ये संसार सारा पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, कब ये बीच में कब बीच में भी ये नहीं है, केवल व्यपदेश मात्रम, केवल नाम मात्र का ये संसार है। अब नियम बताते हैं, नियम ही याद कर लो। भूतम प्रसिद्धं च परेण यद यत, जो चीज दूसरी वस्तु से पैदा हुई है और दूसरी वस्तु से देखी जाती है, जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ है तो मिट्टी से जुदा घड़ा नहीं है, और संसार के सारे रूप आंख से देखे जाते हैं तो आंख से जुदा नहीं है। जो जिससे प्रकाशित होता है वो उससे जुदा नहीं होता, और जो जिससे पैदा होता है वो उससे जुदा नहीं होता। तो ये सारी सृष्टि आत्मा से ही प्रकाशित होती है और परमात्मा से ही पैदा होती है, इसलिए ये सृष्टि नाम की चीज न आत्मा से जुदा है न परमात्मा से जुदा है। और जब सृष्टि ही नहीं है तो आत्मा परमात्मा को जुदा करने वाली कोई तीसरी चीज तो है ही नहीं। इति मे मनीषा, बोले कौन सा सिद्धांत बता रहे कृष्ण? तो बोले इति मे मनीषा, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा सिद्धांत है, वेद के द्वारा इसी सिद्धांत का मैंने प्रतिपादन किया है। अविद्यमानोऽप्यवभासते जो
वैकारिको राजस सर्गेश ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्म विकार चित्रम। तो ये जो विकार संबंधी सृष्टि विकार समूह है जो देखने में आता है, ये पहले नहीं था, ये केवल इंद्रियायन सृष्टि राजस पर गए। राजस पर गए माने इंद्रियों की सृष्टि है, और वैकारिक माने ये जो विकार समूह देखने में आता है, ये क्या है? क्या ये पहले बिल्कुल नहीं था? तो ये है क्या? तो ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति, इसलिए स्वयं ज्योति ब्रह्म ही इनके रूप में प्रकट हो रहा है। ये क्या है? इंद्रियार्थात्म विकार चित्रम ब्रह्म, इंद्रिय की तस्वीर जिसने खींची हुई है और पंचभूत की तस्वीर जिसने खींची हुई है और मन की तस्वीर जिसने खींची हुई है और देवता की तस्वीर जिसने खींची हुई है, ऐसा ये चित्रकारी किया हुआ ब्रह्म ही दिख रहा है। इसे सोना हो और उस पर चित्रकारी करो, ये शंकर जी की मूर्ति है, ये मंदिर है, ये नादिया है, ये इस पर बेलपत्र चढ़ रहा है और ये चढ़ाने वाला भक्त आया हुआ है। अब ये कहीं सोने का पत्थर, उसमें मूर्ति भी, मंदिर भी, बेलपत्र भी, नादिया भी है, उसमें हर हर लोटे का पानी भी गिरता हुआ दिखता है और चढ़ाने वाला भगत भी दिखता है, सोने का ये कहीं पत्थर। तो अब क्या है भाई? बोले ये कही है। अरे भाई वो कथा तो महात्मा लोग बहुत सुनाते हैं। कौन से? तो किसी सेठ के घर में गणेश जी की मूर्ति थी, सोने की, और उनके साथ मूषक महाराज भी सोने थे, सुधा भी सोने का। दुर्भाग्य से उनके दिन बिगड़े, बेचने की बारी आ गई। तो इतने दिनों तक वो गणेश को तो भगवान ईश्वर मान करके पूजते थे, सुहा को उनका बाण समझते थे। पर जो सुहा छोटी चीज है, गणेश बड़ी चीज है। पर जब सुनार के घर में दोनों मूर्ति गई और तौली गई तो दोनों बराबर। सुनार ने कहा कि हम कोई गढ़ाई तो देने वाले हैं नहीं, सोने की कीमत देने वाले हैं, तो जितना वजन गणेश का उतना ही वजन सूहे का, दोनों की कीमत बराबर बराबर। अब सेठ ने कहा कि सूहा जो है ये जानवर वाहन और गणेश जी देवता और हमारे पूज्य आराध्य, दोनों की कीमत बराबर कैसे? और बोले भाई हमको सकल सूरत से मतलब नहीं है कि किसकी सकल क्या किसकी सूरत क्या, हमें तो मतलब है दोनों में रहने वाले सोना से। तो ये जैसे सोना में चित्र है, जैसे एक ही कपड़े में चित्र बना देते हैं, ये मोर मोर बनाते हैं कपड़े में, ये मोर की चोंच है, ये मोर के पंजे हैं, ये मोर के पंख हैं, ये मोर नाच रहा है, नाचता हुआ मोर बनाते हैं, लेकिन वो मोर क्या कपड़े से जुड़ा है? इसी प्रकार ये जो विकार दिखाई पड़ते हैं सृष्टि में, मन है, पंचभूत है, इंद्रियां हैं, ये सब ब्रह्म में जैसे तस्वीर दिखाई पड़ती हो, जो इलाके तुमने बताया तो तस्वीर भी कैसे? जब एक बड़ई को कोई मूर्ति बनानी थी तो वो गया पहाड़ में और वहां जाके बहुत बड़ी चट्टान देखी, देखा तो आंख बंद करके सोचने लगा इतनी बड़ी चट्टान इसी ऐसे काटेंगे तो ऐसी आंख निकलेगी और ऐसे काटेंगे तो ऐसी नाक निकलेगी और ऐसा सिर बनाएंगे, ऐसा हाथ, उसको ऐसा पांव। अब तो थोड़ी देर ध्यान करने के बाद उसको उस चट्टान में वो प्रत्यक्ष मूर्ति दिखने लग गई। बोले मूर्ति उसमें बनी है? कहीं बनी नहीं है। तो कहां से आई? बोले कल्पना से आई, है ना, मनोराज्य से आई। इसी प्रकार ये परब्रह्म परमात्मा में जो सृष्टि दिख रही है, ये सारी की सारी बढ़ई के मिस्त्री के मन में, कारीगर के मन में मनोराज्य की हुई जैसी सालभंजिका, जैसी वो मूर्ति, इसी प्रकार ये समूचा प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। एवं स्थितम ब्रह्म विवेक हेतु ही परा पदादे न विचार देनो हित्वात्म संदेह मुकारमेत स्वानंद तुष्टो खिल कामुके यः। बाबा संसार के विषयों में कुछ नहीं है, ये
ये तो ऐसे फंस गए हैं लोग महाराज कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है। ये तो अपनी थकावट की खुले आम निंदा भी नहीं कर सकते हैं कि हाय हाय हम ऐसे फंसे हैं, निंदा भी नहीं कर सकते। साधु लोग तो कह भी देंगे कि स्त्री पुरुष के संबंध में ये दोष है ना, लेकिन गृहस्थ लोग यदि भरी सभा में कहने लग जाए कि स्त्री पुरुष के संबंध में ये दोष है तो घर में घुसने न पाए, वो तो फंसे हुए हैं। ये ऐसे एक दूसरे के साथ फंसे कि अब छोड़ नहीं सकते। वो तो कहते हैं बंदर था बंदर, तो बंदर फंसाने के लिए मदारी ने क्या किया, छोटे मुंह के बर्तन में चने रख के बर्तन को गाड़ दिया धरती में और मुंह खुला छोड़ दिया। अब बंदर ने उसमें हाथ डाला कि चना निकाल के खाए, जब चना मुट्ठी में आ गया और हाथ निकालने लगा तो मुट्ठी में चना भर जाने पर हाथ न निकले। अरे बोले भाई अरे छोड़ दे चना, छोड़ दे तो तेरा हाथ निकल जाए। अब चने की लालच छोड़े नहीं और हाथ निकले नहीं, इतने में ये काल मदारी जो है उसको आए करके पकड़ लिया। अब तो चना भी टूटा और शरीर भी गया। इसी प्रकार संसार के प्राणी जो है ये लोग लालच में पड़ करके ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि छोड़ भी नहीं सकते है, छोड़ भी नहीं सकते और पकड़े जाते हैं। तो एवं स्फुटम ब्रह्म विवेक हेतु भी, ये जो अब तक बताया कि किस प्रकार विवेक करना, वेद से, शास्त्र से, धर्मानुष्ठान से, प्रत्यक्ष से, इतिहास से, महात्माओं के उपदेश से, इन सब बातों से निश्चय करना, इसमें मुख्य बात क्या है तो परापदा देना। इसमें सिखाने की कोई बात ज्यादा नहीं है, बहुत हल्की सी थोड़ी सी बात है। तुम्हें तुम्हारी नजर में जो अपने से जुदा मालूम पड़ता है उससे अपने को मन ही मन अलग करो। जब ये तुमको मालूम पड़ता है कि ये घड़ी जुदा है और मैं जुदा हूं तो घड़ी को मैं नहीं समझते हो ना, ऐसे अपने शरीर में विचार करो कि तुम हड्डी हो, मांस हो, गुस्सा हो, मूत्र हो, चीर हो, चर्बी हो, चीज हो, सोचने समझने से अपने आप को ही जहां मालूम पड़े ना कि ये मैं नहीं हूं, परापदा देना। अन्य का तिरस्कार करके, अन्य का अपवाद करके, अन्य को हटा करके अपने आप को जुदा करो। तो बोले ये तो नहीं आता है हमको, तो नहीं आता है तो विशारद हो ना, जो इस काम में विशारद हो, जो विवेक विशारद की परीक्षा में पास हो है ना, विशारद विवेक विशारद माने गुरुदेव, गुरुदेव के पास जा करके परापवाद करना सीखो माने अन्य से अपने को जुदा करना सीखो। जिसके द्वारा सीखे बोले जो विवेक के कारण बताए हैं उनसे, तो इससे क्या होगा, चित्वात्म संदेह हम उपारने, तो आत्मा के संबंध में जो संदेह है कि आत्मा पापी है कि पुण्यात्मा है कि सुखी है कि दुखी है, कि अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है, ये जो आत्मा के संबंध में संदेह है इसको काट दो और स्वानंद उपार तो अपने आनंद में मगन हो करके, ये जो इंद्रियों के साथ तुमने संबंध जोड़ा ना अखिल कामुक कहेंगे, इंद्रियों का नाम है अखिल कामुक। कामुक बोलते हैं कामी को, जो स्त्री को चाहने वाला पुरुष है उसको कामुक बोलते हैं और जो पुरुष को चाहने वाली स्त्री है उसको कामिनी बोलते हैं। बोले ये इंद्रियां कौन है, तो कामुक है। तो किसकी कामुक है, तो इनकी लिस्ट जिंदगी भर में पूरी होने वाली नहीं है, है ना। इनसे कहो कि अरे इंद्रियों एक लिस्ट बना दो कि दुनिया में तुमको क्या क्या चाहिए, कभी पूरी होने वाली। अखिल कामुक हो गया, सबका मजा लेना चाहते हैं, और ये जो कामुक है वो तो मंगते हैं हमको ये चाहिए ये चाहिए, तो इनसे उपरत हो जा, इन इंद्रियों को अलग करके स्वयं अपने स्वरूप में अपने आनंद में मग्न हो जाओ। तो कैसे विवेक करें वो बताते हैं, नात्मा बपुस्पार्थिव इंद्रियाणि देवाह्य सुरवायु जलम हुताशः मनोन्नमात्रम भीषणात् सत्वम
अहं प्रतिष्ठां स्थितिरर्पताम्यम्। अब बताते हैं कि इस तरह से विचार करना, बपुहु आत्मा न भवती, ये शरीर आत्मा नहीं है। क्यों? पार्थिवत्वाद घटवत, ये तो मिट्टी से बना हुआ है, घड़े की तरह है। ये इंद्रियां और इंद्रियों की अधिष्ठाता जो देवता है, ये जो प्राण सांस चलती है, ये जो बुद्धि है, तत्व है, चित्त है, अहंकार है, ये भी आत्मा नहीं है। क्यों? अन्न मात्रम, ये सब तो अन्न का विकार है। थोड़े दिन तक अन्न न खाओ तो सब चौपट। अन्नोपसभ्यत्वात् शरीरवत्, अन्न से बने हुए होने के कारण वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये पंचभूत, शब्दादि ये तन्मात्रा, गुणों की समता प्रकृति, ये भी आत्मा नहीं है। क्यों? कि जड़ होने के कारण। अथवा दूसरे भी अनुमान इसमें कर ले, इंद्रियां आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? कई तो जैसे बढ़ई हाथ में बसीला लेकर के लकड़ी को छीलता है तो बसीला औजार है, इसी तरह हमें हमारा ये हाथ जो है, ये कोई चीज पकड़ने के लिए हमारे पास औजार है। आत्मा ने आत्मा नहीं, आंख देखने का औजार है, ये तो दूरबीन है हमारे शरीर में लगा हुआ, दूरबीन लगा हुआ है। तो ये काम जो है, तो ये सुनने की मशीन लगाई हुई है, ये मैं क्यों है? देवास्त बहकारिकत्व, देवता भी बहकारिक अहंकार के कार्य है, मन की तरह, प्राण भी वायु की तरह है। इस तरह से विवेक करके अपने को बचा लेना, अपने को अलग कर लेना। अब ये बात बताते हैं कि यदि इस तरह का विवेक विज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्तिगत जीवन से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है, व्यक्तित्व के बंधन से, जिन बंधनों में संसार के मनुष्य पड़े हुए हैं, भांति मेरा विवेक करके मम शिशु विदितम धाम स्वरूपम येन तस्य प्रकाश तत्व, जिसने मेरे स्वरूप को नली भांति जान लिया है, तो प्रकाशक को प्रकाश के गुण दोष नहीं लगते हैं। घर में एक दिया जला दो और उसमें वेद पाठी जी वेद पाठ करें और उसमें चोर चोरी करके ले जाए, तो दिए पे क्या पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? अरे भाई, तुमने जान बूझ करके वेद पढ़ने के लिए तुमने अगर दीपक जलाया है तो दीपक जलाने का पुण्य जलाने वाले को होगा, हो है ना? और चोरी करने के लिए चोर के हाथ में अगर तुमने टार्च दे दिए कि जाओ इस टार्च से चोरी करो तो तुम्हें टार्च देने का दोष होगा, है ना? लेकिन जो दीपक जल रहा है अपने हाथ का स्वयं प्रकाश, इसको क्या घर में से कोई चोरी कर ले जाए तो सांप लगेगा और कोई देर करे तो पुण्य लगेगा? ठीक इसी प्रकार जिसने परमात्मा के स्वरूप को जान करके स्वयं प्रकाश हो करके देह को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, व्यक्ति को, समष्टि को, सर्व को प्रकाशित कर रहा है, उसके लिए एक शरीर में रहने वाली जो सत्व रज तम से बनी हुई गुणात्मा, विषयों का भोग करने वाली इंद्रियां है, वे समाहित तो हो जाए तो कोई आत्मा का कुछ बन गया? तब फिर इंद्रियों की एकाग्रता से आत्मज्ञानी का कुछ बनता नहीं है। विक्षिप्त यमाणी रूपकिदूषणाम, और इंद्रिया यदि उसकी विक्षिप्त हो, चंचल हो, तो क्या उसको कोई दोष लग गया? बोले ना, उसको दोष नहीं लगता है। बात क्या है, आज एक सज्जन आए थे, बड़े अच्छे समझदार पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना, तो धर्म में वर्ण मिश्रेगा, अपने धर्म में मर जा। अब एक आदमी का धर्म है झाड़ू लगाना, तो क्या जिंदगी भर झाड़ू ही लगावे? वो कोई बड़ा कारखाना न खोले, वो कोई विज्ञान, कोई भौतिक उन्नति, वैज्ञानिक उन्नति न करे, और फिर कहते हो कि झाड़ू लगाने से ही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? देखो अपनी
शास्त्र की क्या महिमा है। ये नहीं कहते हैं कि झाड़ी लगाने से पूर्णता प्राप्त होती है। जो चाहता है परमात्मा को प्राप्त करना, जो चाहता है अपने जीवन में पूर्ण वस्तु का अनुभव करना, उसके लिए पूर्ण वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। और ज्ञान होता है शुद्ध अंतःकरण में, और शुद्ध अंतःकरण के लिए निष्काम भाव से कर्म करना जरूरी है। यदि कोई निष्काम कर्म नहीं करे तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? सकाम कर्म से तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा ना, क्योंकि सकाम में जो कामना है वही तो अशुद्धि है। अब बोले तो मैंने पूछा, तुम झाड़ू जो लगाना है, झाड़ू लगाना, उसको क्यों बदलना चाहते हो? भौतिक उन्नति की कामना से यदि तुम झाड़ू लगाना छोड़ करके कारखाना खोलना चाहते हो, है ना, तुम्हारे मुंह में घी सक्कर, झाड़ू लगाना छोड़ के कारखाना खोलो, है ना, और तुमको भौतिक उन्नति प्राप्त होगी। बोले नहीं जी, हम तो परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो परमात्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं, तो ज्ञान के लिए अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं, है ना, तब तुम कर्म क्यों बदलना चाहते हो? तब तो निष्काम भाव से झाड़ू लगाओ, है ना, निष्काम भाव से झाड़ू लगाओ, अंतःकरण शुद्ध होकर के तुमको परमात्मा मिल जाएगा। और कर्म को जब तुम बदलना चाहते हो तो बिना सकाम भाव हुए बदलना नहीं चाहते हो, इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भौतिक उन्नति की कामना से तुम अपना कर्म छोड़ो, हम कुछ नहीं बोल सकते तुमको। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि हमारे कर्म में निष्कामता आवे, तब क्या वेद पढ़ना और क्या झाड़ू लगाना दोनों ही निष्काम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा? तो क्यों तुम अपने, तुम्हारे बाप दादा झाड़ू लगाते थे, तुम्हारे बाप दादा वेद पढ़ते थे, हैं? और निष्काम भाव से तुमको अंतःकरण शुद्धि करना, रूप फल प्राप्त करना है तो इसी से मिल जाएगा। तो अंतःकरण शुद्ध करके, अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान प्राप्त करके तुम अपनी पूर्णता का अनुभव करो ना, तब स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। कहने का अभिप्राय क्या है कि इंद्रियों को निष्काम भाव से शांत करना या इंद्रियों को सकाम भाव से प्रवृत्त करके संसार में भोग में ले जाना एक दूसरे स्तर की बात है। जिसको परमात्मा के मार्ग में चलना है उसकी इंद्रियों में समाधि होनी चाहिए और उसके अंतकरण से कामनाओं की निवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन जिसने महाराज कामनाओं की निवृत्ति करके और परमात्माकार वृत्ति करके, अविद्या को निवृत्त करके, परमात्मा को जान करके, परमात्मा और आत्मा की एकता के ज्ञान से अज्ञान को निवृत्त करके जो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है, उसके लिए वो साधन काल वाली जो इंद्रियों की मन की एकाग्रता है, अब उसकी जरूरत कहाँ रही? या विक्षेप से अब परमात्मा की प्राप्ति में बाधा कहाँ से पड़ेगी? तो धनई रूपे तैर जुगतई रबे किम, आकाश में चाहे बादल आवे और चाहे चले जाए, इससे सूर्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। सूर्य ज्यों का त्यों, यथा लभो वायु वनला अम्बु भू गुणैर गता गतैर वर्त गुणैर न सज्जते तथा क्षरम सत्वरजतमो मलैहि अहम मते संस्कृति हेतु परम। जैसे आकाश में कभी आधी चलती है, कभी आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, कभी धूल उड़ती है, ये मोटी मोटी चीजें कभी आती हैं कभी जाती हैं, लेकिन आकाश के साथ उनका कोई संबंध नहीं बनता है। इसी प्रकार जो अहंकारी पुरुष है उसको तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के जो मन है वो संसार के कारण बनते हैं। और जहां अहम मति का लोप हो गया वहां कोई कर्म कोई फल कोई भोग, जहां अहंकार रूप आश्रय ही नहीं है, ये क्या परब्रह्म परमात्मा में जाके सकेंगे? क्या परब्रह्म परमात्मा में ये कभी नहीं सकते हैं। तथा संगा परिवर्जनियो गुणे सुमाया रचिते सुतावद मदभक्ति योगे न दृढ़े न जावद रजो निरस्ये तमन कपाया। फिर भी जो साधक है, जिज्ञासु है, जो परमात्मा के मार्ग में चल रहा है, उसको ये माया की जो रचना है शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली, जो कहीं प्राणी बन करके माया घूम रही है और कहीं पदार्थ बन करके चमक रही है,
ये जो माया रचित गुण है इनमें आसक्ति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कब तक नहीं करनी चाहिए? जब तक मन का जो कषाय है, मैल है, रजोगुण वो निवृत्त न हो जाए। अच्छा, मन का मैल वो रजोगुण निवृत्त कैसे होता है? दृढ़ न मद भक्ति योगे न, मेरे दृढ़ भक्ति योग के द्वारा ही मन की मैल धुलती है। इसलिए भक्ति योग करके करे मन के मैल को धो देना चाहिए। और यदि नहीं धोगे तो क्या होगा? यथा मयो साधु चिकित्सित नृणाम पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन एवं मनोपक्व कषाय कर्म कुजोगिनं विध्यति सर्वसंगम। जैसे मनुष्य के शरीर में कोई रोग होए और भली भांति उसकी दवा दारू न कर ले, रोग की जड़ शरीर में रह जाए तो बार बार वो रोग उभर आता है और उसको दुख देता है। इसी प्रकार जिसके मन का मैल नष्ट नहीं हो चुका है, जिसके कर्म के संस्कार कषाय मैल रंगीनी राग जिसके नष्ट नहीं हो चुके हैं, कौश सुजोगी को जब वो संसार में कहीं संग करता है तो बारंबार उसको दुख की प्राप्ति होती है। अब इसके आगे का जो प्रसंग है और इससे प्राप्त होता है।